गाइस वेलकम बैक एंड आई थिंक अब ये बिल्कुल सही टाइम भाई साहब इस चीज़ की बातें करने का। देखो हम लोग जानते हैं फिलहाल के समय कि हर कोई फिलहाल के समय वेट कर रहा है यहाँ पे सॉन्ग्स को लेकर के कि यार सॉन्ग्स कब आएंगे भाई, फर्स्ट सॉन्ग कब आएगा, सेकंड सॉन्ग कब आएगा। एंड आई थिंक वो आपको बहुत ही जल्दी एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी मिड तक आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा खासा टीजर सॉन्ग का आपको मिल जाएगा, फरवरी मिड की बात करो। एंड देन उसके एक हफ्ते बाद आपको अच्छा खासा जो अपने वो सॉन्ग चाहिए पहला सॉन्ग वो आपको मिल जाएगा। वो तो भाई गारंटीड है, वो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके पहले उसके पहले यहाँ पे बातें निकल करके आनी शुरू हो चुकी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें हैं BTS गाइस, एक पावर पैक BTS जो कि आपको बताएगा कि मूवी की शूटिंग एक्चुअली में कैसे हुई है, किस तरह से बिहाइंड द सीन्स हैं और किस तरह से हमारे पावर पैक्ड एक्शन हीरोज़ ने किस तरह से यहाँ पर एक्चुअल में अपने खुद के सीन्स को किस तरह से खुद परफॉर्म किया है, क्योंकि आज के समय बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बताना, क्योंकि ऑडियंस के अंदर इस मूवी को लेकर के अच्छा खासा बज़ बन रहा है, तो उस बज़ को मेंटेन करके रखना है। और जैसे हम लोग जानते हो कि जब यहाँ पे जॉर्डन से हमारे क्रिटिक्स लोग घूम करके आए थे, जब जर्नलिस्ट लोग घूम करके आए थे, तो इस चीज़ को लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे कि BTS उन लोग को, उनमें से हर किसी को नहीं बट उनमें से कुछ लोगों को जो BTS दिखाया गया था, जो सीनियर जर्नलिस्ट जो सीनियर काफ़ी बड़े बंदे थे उनको दिखाया गया था BTS, और ट्रस्ट मी हर किसी का एक ही रिएक्शन था कि BTS आपके होश उड़ा देगा। सिंपली मतलब BTS आपके होश उड़ा देगा। और ये जो BTS ग्लिम है ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस करता है यहाँ पर एक्शन सीन्स के ऊपर, किस तरह से हमारे खिलाड़ी ने, किस तरह से हमारा टाइगर ने यहाँ पर एक्शन सीन्स को खुद परफॉर्म किया है ऑन रियल ओकेशन, OG ओकेशंस के ऊपर। जॉर्डन के सीन्स यहाँ पे, हमारे जो कौन से UK के सीन्स यहाँ पे, लंदन के सीन्स यहाँ पे, अबू धाबी के सीन्स, मुंबई के सीन्स, काफ़ी मिक्सचर, एक परफेक्ट मिक्सचर तैयार किया गया जो कि आप इसके अंदर विटनेस करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी है फिलहाल के समय सोशल मीडिया के ऊपर जो हल्की फुल्की बोलते ना कन्फ्यूजन से लोगों के अंदर कि क्या वाकई में रियल लोकेशंस, हालांकि सबको पता है बट फिर भी कहने के कुछ एक आध सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो डाउट करे इस चीज़ के ऊपर कि क्या वाकई में रियल लोकेशंस है, क्या इन लोगों ने खुद अपने स्टंट्स परफॉर्म किए। सो यस, उन लोगों ने खुद परफॉर्म किए। होपफुली गाइस मैं आपको बता दूँ जो डेट्स फिलहाल के समय निकल करके आ रहे हैं कि आपको इसी वीक भाई साहब यहाँ पे फरवरी की सेकेंड वीक के ही अंदर मिलने वाला है, और डेट्स जो फिलहाल के समय निकल करके आ रहे हैं कि 7th February से लेकर के 9th February तक आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ ड्रॉप हो जाएगा, और ये चीज़ आपको पहले मिलेगा सॉन्ग के पहले। अब डेफिनेटली अब देखना है कि इसमें कितनी हकीकत होती है, कितनी सच्चाई होती है, लेकिन ये भाई फिलहाल किसी बात है कि BTS एग्जैक्टली आपको पावर पैक्ड BTS जो आप चाहते हैं वो भाई हमारे अलिया बजफर देंगे, डेफिनेटली देंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लगाया जा रहा है और जो अच्छा खासा माहौल है ना उसके हिसाब से करें, वो लोग ऐसे कभी भी रिलीज़ नहीं कर सकते यार, वो लोग भी टाइम देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, कब रिलीज़ करना चाहिए, कब ज़्यादातर ऑडियंस इंटरनेट के ऊपर एक्टिव रहेगी, तो वो सब चीज़ों पर थोड़ा वो ध्यान रखते हुए इस चीज़ को रिलीज़ करेंगे। लेकिन मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे मैं आपको डेट बताया ना, 7th निकल करके आ रहा है, 8th निकल करके आ रहा है, 9th भाई सिंपल सी बात है हमारे खिलाड़ी का लकी नंबर, तो या उसको भी कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखिए कि 7th 9th तक ये जो डेट्स हैं यहाँ पर आपको मिलने ही मिलने हैं, और अब बहुत नज़दीक हम उस चीज़ के पहुँच चुके हैं, बस भरोसा रखो। एंड भाई वो जो उम्मीद है उसको बना करके रखो, एंड आई जस्ट होप कि यार ये जो बातें निकल करके हैं ये सच हो, वाकई में भाई अपने को यहाँ पर ग्लिम्स मिल जाए, जो ग्लिम्स आप चाहते थे वो मिलेगा गाइस, डेफिनेटली मिलेगा, और अली बस बताएगा कि आपको किस तरह से एक्शंस शूट किए जाते, किस तरह से एक्शन मूवीज बनती हैं, और जब इंडियाज़ बिगेस्ट एक्शन मूवीज़ की बात होती है तो वो क्या होगा वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला। बताया जा रहा है कि जो उसका लेंथ होगा काफ़ी अच्छा खासा लेंथ होने वाला है, मतलब 3-4 मिनट तो मेरे हिसाब से सुनने में आ रहा है कि 3-4 मिनट तो आप मान के चल सकते हैं कि इतना अच्छा खासा लेंथ हो सकता है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर इतना लेंथ होता है तो भाई मान के चलो कि पब्लिक ऑलरेडी पागल हो जाएगी, बहुत लंबा भी नहीं चाहिए बट ये बहुत ही परफेक्ट लेंथ है। अब देखते हैं कि भाई रियलिटी कितनी है, ओके क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती है, बट फिलहाल के लिए ये सीन भाई से फिलहाल के समय दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक आप लोग को भी चीज़ चाहिए। तो आप बताओ क्या लगता है भाई इस चीज़ के ऊपर, कितना एक्साइटमेंट है, और जो भी है कमेंट करो। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतने, और लाइक करो, बाय।